इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी उसी 66 में G92 क्लाइंट रोड में। तो आज हम यहाँ पर टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है तमाम। कल अली वान साहब से मतलब फीक साहब को टिकट वसूल कर लिया, उन्होंने बताया वाइस चेयरमैन और तमाम कौंसलर जो हैं वो यहाँ पर अपने अपने टिकट वसूल करेंगे। और हमारे पास इस वक्त तमाम यूसी से जो नुमाइंदान भी मौजूद हैं सारे, और माशाल्लाह हमारे साथ मस्जिद अरकीन भी जो है इन ब्लॉकों के, हम इंशाल्लाह ताला इन सब दोस्तों भाइयों को टिकट वगैरह देंगे। सबसे पहले मैं राव साहब से गुजारिश करूंगा वो तलावत इकलामे पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियक हुवल अबतर सदकल्लाहुल अज़ीम। जी मलक रफीक साहब, मगर सरकारी काम रुकने नहीं चाहिए, जमीनी हालात तो काफी हद तक बेहतर हो गए। जिस वक्त 15 में हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो यकीन करें ना फुटपाथों पे चल सकता था ना इन लानों के अंदर चल सकता था। सारा सीवरेज होता था, सारी गंदगी होती थी और सारे गटर उबले हुए होते थे। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आप फुटपाथों के ऊपर जाए तो वही जो 3-3 फुट के फुटपाथ है आज 10 फुट और 12 फुट के हैं, जिसके ऊपर बंदे नहीं चल सकते थे, मोटरसाइकिल नहीं चल सकते थे। अब यहाँ पर एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड और हर किस्म की गाड़ी जा सकती है। मैंने चैलेंज किया है, मैंने सोशल मीडिया पर 5000 व्यूवर्स को चैलेंज किया कि जो काम हमारे G92 सेक्टर यूसी 35 में हुआ, 35 था 66 तक, वो ना पहले कभी हुआ और ना आइंदा होगा। मैं ये चैलेंज किया, कई दोस्त हैं हमारे डीजी ऑफिस में, एक दो और हैं, उन्होंने बात की, कुछ नाराज भी हैं। और नाराजगी की वजह क्या है, वो इनफरादी वजह कि मेरे दरवाजे पे के सामने मलक साहब ने शिवलिंग डाली, मेरा गटर बंद था, वो मलक साहब को फोन किया, वो गटर नहीं खुला। मैं कह रहा हूँ ये जो यूसी होती है इज्तमाही या सियासती है, मामला इज्तमाही होता है। आप इज्तमाही एतबार से देखें, इज्तमाही एतबार से जो इस सेक्टर में काम हुआ, तो रात 12 बजे अगर फोन किया मलक साहब पहले तो खुद आदर हो सके नहीं, तो फिर उन्होंने फोन किया और उनका मन रहा और हम आप लोगों को ऐसे ही चेयरमैन चाहिए, ऐसे ही लीडर चाहिए जो हमारे जो मसाइल है वो हल कर सके। तो इंशाल्लाह मलिक साहब के साथ हैं, मलिक साहब को पहले भी कामयाब कराया था, इस बार भी इंशाल्लाह जितने भी काम किया वो सबके सामने कोई डका छुपा नहीं है। भाई बैठू है, मुझे आप कोई एक खड़ा होकर बताए कि यार एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ और इसके बाद आया है, कोई यानी पसंद इलेक्शन सिर्फ वोट लेने आते हैं, इसके बाद कोई नज़र नहीं आता। मलिक साहब वो वाइट शख्स हैं जो आपको अगर एक गली में निगू से भी मिलेंगे, और तकरीबन ये मेरे भाई के साथ बड़ी इत्तेफाक है कि जिस वक्त फ़ोन करो आज के 2 बजे भी ना मलिक साहब पहुँचे हुए थे। यहाँ आग लगी थी, 2 बजे धमाका हुआ था, मलिक साहब वहाँ पहुँचे हुए थे। ताल्लुक एच पी आर कॉलोनी से है, तो यहाँ पे हमने भी माशाल्लाह मलिक साहब का बहुत काम देखा, और जितना काम इन्होंने हमारे पास कराया शायद बाकी यूसी में इतना ना करवाया हो, क्योंकि हमारा काम जो था एच पी आर कॉलोनी का जो काम था बोल रहे मलिक साहब के इनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं मलिक साहब को एडवांस सीट की मुबारक देता हूँ कि ये सीट जो है इंशाल्लाह इन्होंने विन कर ली है। मलिक साहब को यूसी 66 का जो टिकट मिला है, क्या पार्टी का ये बेहतरीन फैसला है, इसके बारे में आप बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले सफाज भाई आपका शुक्रिया, माशाल्लाह आप बड़ी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और बड़ी सोशल मीडिया पर बेहतरीन कंपेन आपकी चल रही है, और ये पार्टी का बिल्कुल बेहतरीन फैसला है जी। ये तो चेयरमैन की सीट तो बहुत छोटी है मलिक साहब के लिए, हम तो इंशाल्लाह इनको आगे मेयर देख रहे हैं इस्लामाबाद का जी इंशाल्लाह। और माशाल्लाह इनका जिस तरह वर्क हमने देखा, मतलब कि जो मजहब है कि मुखालफिन भी इनकी दाद और इनकी अच्छाई में लफ्ज ध्यान कर रहे हैं, उससे ये बहुत एक्टिव कारकुन है पीटीआई के। मुझे खुशी है कि ये यूथ काउंसिल के लिए आगे आए हैं, इंशाल्लाह हमारा वोट सपोर्ट पार्टी का बहुत अच्छा फैसला है जी जनाब। अल्लाम मीर न्याजी साहब, अच्छा मीर न्याजी साहब, मलिक साहब को यूसी 66 का टिकट कल मिला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है, मलिक साहब ने पहले भी डिलीवर किया है और इस यूसी में पीटीआई ऑलरेडी मजबूत है, क्योंकि पीटीआई पहले एक इलेक्शन जीत चुकी है यहाँ पे यूसी का, वो भी मलिक साहब की क्यादत में एज ए चेयरमैन। मलिक साहब ने भी काम भी बहुत ज़्यादा करवाए हैं यूसी में, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि बिला मुकाबला, उम्मीद तो हमें यही है कि इंशाल्लाह बिला मुकाबला जीतेंगे, और अगर मुकाबले में भी कोई हुआ तो
ना होने के बराबर होगा और इंशाल्लाह यूसी 66 से पूरा पीटीआई का पैनल जीतेगा और हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। यहाँ से खड़ा है 66 से, तो इसके बारे में भी आप आसन जाट नौजवान क्या देता है इंशाल्लाह, तो हमें उम्मीद ये है कि ये नौजवानों के लिए अपने जो भी कोशिशें हैं बरोबार लाएंगे। पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनको पार्टी ने टिकट दिया और बिल्कुल जो है पार्टी का 100% बेहतरीन फैसला है कि उन्होंने इन्हें टिकट दिया। पार्टी से हट के भी इसके अलावा भी लोगों के जितने काम हैं ये अलग नज़रिए से खिदमत करते वासी के साथ अल्लाह पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की तरफ से पूरी सपोर्ट है, वहाँ पे हमारी वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और इसको जीत इंशाल्लाह वहाँ से पहले हमने एडवांस रखा है कि जीत मुबारक हो। बल्दियाती टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।